हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा चैनल एडवेंचर रोड ट्रिप वकील DW, और जो हमारी अभी सीरीज चल रही है वो चल रही है लेट्स गो दिल्ली। तो हम फिर से एक बार है ना आए हैं सलीम भाई के पास, और सलीम भाई के पास जो है अभी एक नई अपाची मतलब काम के लिए आई हुई है, और जो भाई आए हैं ना वो भी यूट्यूब के जरिए आए हैं वीडियो देख करके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी, और चलते हैं भाई से पता करने के लिए जो हमारे पास अपाची लेके आए हैं। भाई बात कराते हैं आपकी। और भैया कैसे हो? बढ़िया भैया। आपका नाम क्या बोलते हो? आप नाम बताओ। जीत। हाँ जी जीत। जीत जीत भैया, तो आप अपनी अभी गाड़ी लेके आए हो, क्या नाम है गाड़ी का? अपाची। अपाची, तो भैया आप कैसे आए भैया के पास, सलीम भाई के पास? यूट्यूब पे देखा था मैंने, इनका काम काफी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, तो मैंने कहा क्यों ना काम करवा लिया जाए। बिल्कुल, काफी ट्राई भी करा मैंने पेंटर, लेकिन मेरे को सही नहीं लगा। इनका काम सही लगा तो मैं आया हूँ, काम करवा रहा हूँ अभी। देखो ठीक है, बाकी आपको काम करने के बाद जब हो जाएगा, जब बाकी आपको पता लगेगा कैसा काम है ना, तो जब आप गाड़ी लेने आओगे तो हम आपका सूट लेंगे लास्ट में भी। और बताना आप हमारे सब्सक्राइबर को और जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं कि कैसा काम कर सलीम भाई ने। ठीक, तो अब ज्यादा देरी ना करते हो सलीम भाई के पास चलते हैं। तो सलीम भाई, तो आप ये गाड़ी का काम स्टार्ट कर चुके हो? हाँ जी। थोड़ा लेट में ही हो गया हूँ है ना? लेट आप आए। हाँ, तो अभी आप क्या कर रहे हो? मैं इसको जो छोटे छोटे जो स्केच होते हैं ना, हाँ, उसको पट्टी भर के खत्म कर रहा हूँ, प्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपको अभी पार्ट्स दिखलाता हूँ। ये टंकी वगैरह सब खुल चुकी है, थोड़ा मैं लेट हो गया, मैं कहीं एक्चुअली गया हुआ था तो इसलिए लेट हो गया। अभी ये सारा काम, ये टंकी है और ये इसका मरघाट रखा हुआ है, और ये इसका आगे का हिस्सा है जो वाइजर है, ये वाइजर है जो हेडलाइट वाला है, और ये इसके जो साइड कवर है वो ये। अब बाइक की जो कंडीशन है मैं आपको दिखलाता हूँ, बाइक की कंडीशन जो है वो देख लीजिए आप। तो जो इसका आपको अलॉय व्हील दिख रहे हैं ना ये वाले, तो ये इस पे ही पेंट होना है, मतलब इसको अच्छे से रफ करेंगे इस पे और मजाई बजाई करके बढ़िया सा करेंगे। ये सारा पेंट होना है, इंजन का भी सारा पेंट होना है, ये वाला अलॉय व्हील है ये भी पेंट होना है, और ये सब सॉकर वगैरह मतलब है ना, गाड़ी पूरी की पूरी तैयार होगी, पूरा पेंट होगा गाड़ी का। तो बिना स्किप करे हुए ना पूरी वीडियो देखना, वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और आप आगे की अपडेट देता हूँ। Know that they ride or die, I keep boys by my side. Know that they ride or die, I keep boys by my side. पूरी गाड़ी की मजाई हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हो इंजन वगैरह जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, तो सारी गाड़ी की मजाई हो रही है बढ़िया से। तो आप देखिए और एंजॉय लीजिए। सलीम भाई कपड़े। अच्छा, इसके बाद मारेंगे फाइनल कोट। उसके बाद फाइनल कोट, ये मैट में है, उसके बाद आएगा सैनिक जबरदस्त वाला, थोड़ा मोड सही नहीं आ जाएगा। तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी है? चेहरा रोना पूरा हुआ। अच्छा, क्यों स्कैम हो गया क्या आपके साथ? रात की भसड़ हो गई, क्या हो गया? क्या स्क्रीन शॉट हो गया कुछ बताओ? सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं वीडियो। ये
छोटा भाई। छोटा भाई क्या नाम है इसका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, हाँ भैया। फ्रेंड्स अभी है ना मैट कलर हो रहा है, उसके बाद ये मैट कलर होने के बाद है ना उसके बाद शाइनिंग वाला कलर होगा। तो अभी इससे मैट कलर हो रहा है, पहले जैसे कि आपको दिखला ही रहे हैं ये अपाची पे अभी कलर हो रहा है ब्लैक मैट, उसके बाद होगा शाइनिंग वाला। तो सलीम भाई लगे हुए हैं एकदम दिल। सलीम भाई अब कौन सा पेंट मार रहे हो? ये ग्लोसी हो रहा है। अब चमक वाला पेंट मार रहे हो? ग्लोसी डाल रहा है। पेंट मार दिया ग्लोसी वाला और पूरे पार्ट्स के अंदर ना चमक आ गई जबरदस्त तरीके से। पहले मैट कलर मारा है, उसके बाद ग्लोसी जो है लाइट वाला कलर मारा है, तो शाइनिंग बहुत ही अच्छी आ रही है, जबरदस्त आ रही है। तो अभी मैं दिखलाता हूँ, तो ये देखिए अगर आपको शाइनिंग में नजर आ रहा होगा ना, देखो मतलब फेस टाइप में ना चमक रहा है, ये कलर इतना शानदार है। तो एक और सरप्राइज है हमारे पास, अभी जो गाड़ी आ रखी है, गाड़ी आ रखी है स्प्लेंडर, हमारे एक दानिश भाई हैं जो कि हमारे दिल का जिगर का टुकड़ा है और बहुत ही हमारे जो उनका चैनल भी है और चैनल है डीसी दिल्ली ब्लॉग। तो हमारे दानिश भाई वो अभी है नहीं एक्चुअली यहाँ पे, तो वो शायद कल आएंगे, तो कल वो आएंगे तो आपको हम उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो अभी उनकी बाइक आ रखी है, तो मैं उनकी बाइक दिखलाता हूँ। बाइक देखिए स्प्लेंडर है और ये काफी जगह पे ना होके आ चुकी है, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम है ना अभी ये केदारनाथ भी होके आई है अभी।
दानिश भाई के किसी काम से आइए कोई पर्पस, क्योंकि मेरे को पता नहीं प्रॉपर है क्या, तो कल दानिश भाई आएंगे तो कल दानिश भाई से ही पता कर लेंगे। तो ये उनका चैनल का नाम है दिल्ली डीसी वॉल्गो, तो इसको आप जा करके यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं। बाकी कल जो है, कल दानिश भाई आएंगे तो मैं उनका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये एक गाड़ी है और गाड़ी का कुछ काम होने के लिए आया है, तो अभी इसके अंदर से रिम निकला हुआ है आगे का। बाकी हमारी जो अभी अपडेट चल रही है अपाची की, ये हम देंगे आपको, और अभी जैसे भी होता है इसका जो भी काम होता है वो देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर जो भी हमारे दानिश भाई को है ना जानते हैं और उन्होंने चैनल देख रखा है तो मुझे ना आप कमेंट करके बताइए हाँ या ना, ठीक है। और जो भी अगर दानिश भाई के बारे में बताए तो, और अगर मेरे को कुछ भी बताना चाहते हो आप दिल से, वो जरूर बताना, क्योंकि हमारे दानिश भाई तो दिल का जिगर का टुकड़ा है। सलीम भाई है ना भी दानिश भाई की गाड़ी पे ही पेंट मार रहे हैं, तो वो भी दिखला रहे हैं आपको इस गाड़ी के बीच में ही, तो टचअप कर रहे हैं। ये देखो भाई दानिश भाई की बाइक के अलॉय व्हील। भाई इतना बढ़िया कलर आया ना, जबरदस्त आया है, बहुत गार्डन। मतलब है ना आजकल सलीम भाई है ना, मतलब ये टायर खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टायर खोल के दोबारा लगाने में ना अलॉय व्हील के अंदर है ना यहाँ पे निशाना है, तो सलीम भाई ने कुछ ये नया जुगाड़ करा है और ये टेप लगाए थे कि टायर भी बचा रहे और काम भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से हो। देखो कहीं से कहीं पे भी अलॉय व्हील के अंदर कोई पेचकस या कोई मशीन या कोई भी दाग नहीं है, कोई भी निशान नहीं है। सलीम भाई मुन्नी बहुत बदलाव करते हैं। तो भाई बात ऐसी कि सलीम भाई ने जो बाइक करी है ना, ये बाइक है दानिश भाई की, जो कि हमारे दिल्ली डीसी वॉल्गो है, और ये बाइक जो पेंट वेंट होने के लिए आई थी तो कंडीशन ऐसी है। बाकी मैंने इसका पूरा लिया नहीं है, लेकिन ये छोटा मोटा जो भी काम था दानिश भाई का गाड़ी का ये हो चुका है। तो दानिश भाई की गाड़ी के अंदर जो काम हुआ है ना, देखो आप देखोगे डिस्क ब्रेक के अंदर देखो क्या शाइनिंग कर रहा है, सबसे मेन चीज है ना देखो इफेक्ट देखो कि इसके अंदर है ना देखो गोल्डन मारा है और ये सिल्वर लग रहा है, फिर रेड लग रहा है, फिर देखो ब्लैक लग रहा है। मतलब सलीम भाई ने ना पूरी जान डाल रखी है। तो गाड़ी को मैं पूरा एक बार और दिखलाता हूँ। और ये जो है ना शायद ये सॉकर भी है ना, सॉकर का भी कलर जो शोरूम से कलर जो आता है ना वो ओरिजिनल कलर की तरह ही मारा हुआ है, बिल्कुल रियल ब्लैक नहीं है कलर, ये जो शोरूम से कलर आता है ब्लैक टाइप में ये वो है जैनमैन। तो ये हमारे भाई की गाड़ी है दिल्ली डीसी वॉल्गो दानिश भाई की है, ठीक है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करना और कमेंट में बताना दानिश भाई के लिए जो भी अपडेट हो मुझे जरूर देना बताना। तो गाड़ी कंडीशन ऐसी है, और फिर हम ले चलते फिर दोबारा आपको अपाची की तरफ। तो अपाची पे जो है स्टार्ट हो चुका है पेंट मारना, और ये पेंट हो रहा है अपाची को।